कीर्तिनगर थाना पहले भी चर्चा में रहा है और इस बार कीर्तिनगर थाने के SHO अनिल शर्मा को स्मार्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिला है, जो कि देश के लिए एक प्रेरणादायक हो सकता है। आज हम इन्हीं से जानते हैं कि ये अवार्ड उन्हें मिला है, उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड है ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, भारतीय वाणिज्य वित्त संस्थान जो है वो, उनके द्वारा एनुअली प्रदान किया जाता है और इस पे पूरे देश का वो डिफरेंट पुलिस स्टेशंस का, पैरामिलिट्रीज़ का, जिन जिन ऑफिसर्स ने अपने अपने फील्ड के अंदर बेहतर प्रयास किए होते हैं पुलिसिंग के लिए, उन लोगों का चयन किया जाता है। तो हमारा भी नॉमिनेशन हमारे वर्दी कमिश्नर साहब, हमारे DCP साहब, जॉइंट CP साहब, स्पेशल CP साहब के द्वारा फॉरवर्ड किया गया था और उस नॉमिनेशंस को फाइनली एक्सेप्ट किया गया। हमने 5 कैटेगरीज में इसको अप्लाई किया था कि हमने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए हैं, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए हैं, या कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए क्या प्रयास किए हैं और थाने को स्मार्ट पुलिसिंग देने के लिए क्या प्रयास करें। तो इन पाँचों कैटेगरीज के अंदर, इन पाँचों कैटेगरीज के नॉमिनेशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमें स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया गया फॉर स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। हम इन प्रयासों के द्वारा हमारे इलाके के अपराधों में तो रोकथाम कर ही पाए, परंतु साथ साथ समाज की बेहतरी के लिए, समाज के उन वर्गों के लिए जिन वर्गों के बच्चे दिशा विहीन हो रखे थे, उन बच्चों को हमने अपने थाने के प्रीमिसेस में पढ़ाया। और पढ़ा करके पिछले साल में 500 बच्चे, जिसमें से 236 को रोजगार उपलब्ध कराया MNCs के अंदर, टॉप एंड MNCs के अंदर, और इस साल में 240 बच्चे, और अब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 141 बच्चों का बैच ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें से करीब 58 बच्चों का चयन हो चुका है, जो 240 बच्चों का हमने बैच पास्ड आउट किया है, और बाकी अभी जॉब मेला हमारे यहाँ पर लगने वाला है, जिसके तहत बाकी बच्चों को हमें उम्मीद है कि इस बार एक से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी प्रत्येक बच्चे को, ताकि वो चूज़ कर पाएगा कि उसको कौन सी बेहतर नौकरी के अंदर जाना है। सर, देश के थानों के जो और ऑफिसर्स हैं, आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं अपनी क्षमता में पूरा प्रयास कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता में पूरा प्रयास करना चाहिए और हमेशा उस सिद्धांत को मान के चलना चाहिए कि यदि एक दीपक से दूसरा दीपक और दूसरे दीपक से तीसरा दीपक अगर इसी प्रकार से जलता रहे तो एक समय पूरी कायनात रोशन हो जाएगी, रात्रि में किसी को सूर्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। थैंक यू। इसके अलावा सर, कीर्तिनगर थाना पहले भी चर्चा में रहा, वो क्या कारण था? हम पिछले साल दिल्ली के अंदर फर्स्ट पुलिस स्टेशन थे और भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन के अंदर भी हमने जगह बना पाने में सफल रहे थे, और ये लगातार प्रयासों के चलते ही संभव हो पाता है कि हम कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ आगे बढ़ करके अपराध की रोकथाम और समाज की भलाई के लिए साथ साथ कार्य कर सकें। आपके थाना क्षेत्र के जो लोग हैं, हमने उनके बीच में भी जाकर बात की, तो लोगों के साथ आपकी पुलिस जो आपके नीचे काम करती है वो एक मित्रता का भाव है, तो अगर ये प्रयास और थाने वाले भी करें तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मदद। जी डेफिनेटली इसके इन प्रयासों को करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मैंने हमारे बुजुर्गों का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप, बुजुर्गों के पास में अलग रजिस्टर्स का रखवाना और एक थाने से नोडल ऑफिसर के द्वारा रोजाना 25 बुजुर्गों से बात करना, यदि हम बच्चों के लिए देखें तो हमारे यहाँ स्लम क्लस्टर्स का बहुत बड़ा बैंक है। उन स्लम क्लस्टर्स के अंदर हमने पहचान नाम की स्कीम स्टार्ट करी है, जो हमारे कमिश्नर साहब के द्वारा जारी की गई थी। उसमें 10 साल से छोटी उम्र के तमाम बच्चों के फोटोग्राफ्स करवा रहे हैं, ताकि इनकेस अगर वो कभी खो जाते हैं तो हमारे पास में उनकी डिटेल्स पहले से विद्यमान रहे, जिसको हम बाकी थानों से, बाकी देश से उसको हम लगातार बातचीत करके ढूंढ पाने में सफल हों। और मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है इस बात का कि हमने, हमारे थाने में कोई भी बच्चा मिसिंग नहीं है, हमने सारे बच्चे ढूंढ लिए। जी, और तीसरी बात है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो हमारे कमिश्नर साहब की कई सारी स्कीम्स हैं जो निर्भीक के नाम से है, शिष्टाचार के नाम से है, इसमें हम सेंट्रलाइज तरीके से जो हमारी टीम्स बना रखी हैं DCP साहब ने, उनके साथ मिलकर के कार्य करते हैं और उन स्कूलों में जाते हैं, उन स्कूलों में जाके बच्चियों से बात करते हैं, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, और क्या डूज एंड डोंट्स, और इस प्रकार से उन बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ उनके द्वारा
पुलिस को कई बार बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशंस का प्रदान करना, और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर एक पॉक्सो का केस भी दर्ज हुआ था जिसमें छोटी बच्ची के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी और हमने उसमें केस दर्ज करा और अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल करी। तो ये दो तरफा हिस्सा है, और कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए स्लम्स के बच्चों को ट्रेन करना, तो उससे हमें करीब 50% अपराध में गिरावट और साथ साथ कम्युनिटी का साथ। हमने हमारे इलाके में काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे जो हमारी आई एंड ईयर, जो हमारी आँख कान नाक वाली जो हमारी योजना है, उसके तहत हमने ग्रुप तैयार किया है, शॉपकीपर्स का अलग तैयार किया है, रेजिडेंट्स के अलग ग्रुप्स तैयार किए हैं, और हम उनको इस समय नेबरहुड वॉच स्कीम, जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दिल्ली पुलिस का, उसके तहत हम लगातार उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनका डेटा तैयार कर रहे हैं, सीसीटीवीज की स्थापना कर रहे हैं, गेट्स की स्थापना कर रहे हैं, और एक नेबरहुड वॉच स्कीम की स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक एक ऐसी बॉडी तैयार कर रहे हैं जो कि आपकी सुरक्षा आपके द्वार को सार्थक करेगी। कीर्ति नगर थाने के एसएचओ को मिला यह अवार्ड देश के अन्य पुलिस ऑफिसर्स के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, और अगर सभी थाने देश भर के इसी तरह से कार्य करने लग जाएं तो मैं समझता हूं कि देश की तस्वीर एक दिन जरूर बदलेगी।